हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर में बात की थी अबाउट कि क्या होती है डेल्टा एस, मतलब एंट्रोपी चेंज क्या होता है। बेसिकली हमने देखा था कि एंट्रोपी क्या होती है, कैसे हम उसे डिफाइन करते हैं और कैसे अलग अलग केसेस के अंदर हम एंट्रोपी चेंजेस को कैलकुलेट करते हैं। लास्ट क्लास में ये भी बात की थी कि कैसे हम क्लॉसियस इनइक्वालिटी को यूज करके एंट्रोपी की कंडीशन को डिफाइन करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास सीखा था कि एंट्रोपी की नहीं, स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन को डिफाइन करते हैं। हमने सीखा था कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। कहने का मतलब अगर किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल जीरो है तो वो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एस टोटल की वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो आपका प्रोसेस कैसा होता है, इक्विलिब्रियम पर होता है, दैट इज रिवर्सिबल होता है। और अगर डेल्टा एस टोटल की वैल्यू लेस देन जीरो है तो फिर आपका प्रोसेस कैसा होता है, इम्पॉसिबल होता है। इसी के बेसिस पर हमने तीन स्टेटमेंट्स बनाए थे सेकेंड लॉ के। पहला स्टेटमेंट था कि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में या एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। मतलब आप एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि अगर डिस्ट्रॉय होगी तो डेल्टा एस टोटल की वैल्यू कैसी हो जाएगी, लेस देन जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा हमने सीखा था एफिशिएंसी के ऊपर कि आप वर्क को हीट में 100% कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन हीट को वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज हम बढ़ते हैं आगे। जैसा मैंने आपसे कहा था, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हम कैसे अलग अलग प्रोसेसेस के लिए, अलग अलग सिस्टम्स के लिए डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग और डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट करते हैं। तो हेडिंग डालें आप नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग एंड डेल्टा एस टोटल। चलिए, यही सेकेंड लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा सराउंडिंग, डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट करने से पहले आपको एक चीज सीखनी होगी कि हमारे पास क्या होता है, दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक, और दूसरा क्या होता है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जो मेन दो कैटेगरी है अपने पास प्रोसेसेस की। तो ये हम लोग प्रूव कर ही चुके हैं कि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल हमेशा कितना आएगा, जीरो। क्यों आएगा, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग एक रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल जीरो होगा। अब बताओ, अगर डेल्टा एस टोटल जीरो होगा तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब जो आपका डेल्टा एस सिस्टम है वो नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग होगा, या फिर वाइस वर्सा, जो डेल्टा ऑफ जितनी वैल्यू डेल्टा सिस्टम की है, सराउंडिंग की वैल्यू उसके नेगेटिव टाइम्स हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो भी हम यूज भी करेंगे आगे क्वेश्चंस के अंदर, कि अगर उसने बोल दिया है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, कैसा है, रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको डेल्टा सराउंडिंग अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या कैलकुलेट कर लें, डेल्टा सिस्टम कैलकुलेट कर लें, आपको डेल्टा सराउंडिंग अपने आप मिल जाएगा। बात समझ में आई। चलिए फिर आते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस पे। ये प्रोसेस आपको बहुत ध्यान से सीखना है, बस एक बार आपने इसको सीख लिया तो फिर आप इसमें कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। बहुत ही ध्यान से देखें कि सपोज मेरे पास ए टू बी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। ये कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ध्यान से देखना, अगर ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो यहां पर जो भी हीट एक्सचेंज होगा उसको मैं क्यू इरिवर्सिबल बोलूंगा, सही है। चलिए अब पहले निकालने चलते हैं डेल्टा एस सिस्टम। हम यहां पर पहले डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट करेंगे। चलिए बताओ, क्या मैं यहां पर डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी लिख दूं, नहीं लिख सकता ना, इसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, लिखना गलत है। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी नहीं होता, वो क्या होता है, हमेशा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी या फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है, याद हमने डिस्कस किया था। तो ये फॉर्मूला तो मैं इस पर लगा ही नहीं सकता, तो बताओ मैं इस इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज कैसे निकालूंगा। हाँ, वेरी गुड, मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था ना कि अगर आपको किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस निकालना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, एक इमेजिनरी रिवर्सिबल पाथ बनाओगे।
इमेजिनरी रिवर्सिबल पाथ, सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट पर आने का एक रिवर्सिबल पाथ बनाओगे। तो अब आप जो डेल्टा सिस्टम निकालोगे, बताओ वो किसके इक्वल होगा? क्यू रिवर्सिबल ऑफ दैट इमेजिनरी पाथ अपॉन किसके इक्वल आ जाएगा? टी के। या फिर हम इसे इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल लेंगे। समझ रहे हो ना, अभी तो बेसिक की बात कर रहे हैं कि भाई डेल्टा सिस्टम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो, आप जो रिवर्सिबल इमेजिनरी पाथ बनाओगे वो एक्चुअली ऐसा ही होगा। मतलब जो डेल्टा सिस्टम है, मैं भी और न्यूमेरिकल्स के थ्रू प्रूव करूंगा, चाहे आप रिवर्सिबल के लिए निकालो चाहे इररिवर्सिबल के लिए निकालो, डेल्टा सिस्टम की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। ये मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आगे इसको प्रूव करके बार बार बोलूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, डेल्टा सिस्टम पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप चाहे रिवर्सिबल के लिए निकालो चाहे इररिवर्सिबल के लिए निकालो, डेल्टा सिस्टम की वैल्यू दोनों के लिए क्या आएगी? सेम। क्यों? क्योंकि इररिवर्सिबल के लिए भी तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एक रिवर्सिबल पाथ बनाना पड़ेगा। इसको मैं भी आगे चल के प्रूफ भी करके दिखाऊंगा आपको, देखते चलो। डिफरेंस किसका आता है? डेल्टा सराउंडिंग का। रिवर्सिबल में तो डेल्टा सराउंडिंग और डेल्टा सिस्टम का मैग्नीट्यूड सेम आता है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। लेकिन इररिवर्सिबल में डेल्टा सराउंडिंग का फॉर्मूला ही अलग होगा। तो बहुत ध्यान से देखें, देखें ये आपका सिस्टम था, इस सिस्टम ने इतनी हीट दी, ठीक है, ये हो गया सिस्टम। अब चारों तरफ है इसके सराउंडिंग, है? बताओ सिस्टम ने ये जो हीट दी, सराउंडिंग ने ये हीट ली होगी? ली होगी ना। अब हमें सिर्फ इतना डिसाइड करना है कि सराउंडिंग इस हीट को रिवर्सिबली लेता है या फिर इररिवर्सिबली लेता है। सोचो, आप बताओ मुझे, सिस्टम इररिवर्सिबली लेगा या रिवर्सिबली लेगा? देखिए, अंतरात्मा की आवाज बिल्कुल ना सुने। ऐसा नहीं कि आपके अंदर से आवाज आई इररिवर्सिबली लेगा तो आपने बोल दिया इररिवर्सिबली ही लेगा, ऐसे नहीं होता है। सोचें, लॉजिक से बात करें और फिर हम इसको डिसाइड करते हैं। चलो देखो, बहुत ध्यान से देखो, ए से बी मैं कह रहा हूं एक इररिवर्सिबल प्रोसेस है। बताओ इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, बहुत फास्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप समझना, मान लो एक सेकंड में प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो इस सिस्टम ने एक सेकंड में इतनी हीट रिलीज कर दी। मान लो मैं हीट को वैल्यू भी दे देता हूं, 500 जूल है इसकी वैल्यू, तो सिस्टम ने एक सेकंड में 500 जूल हीट सराउंडिंग में फेंक दी। बताओ क्या सराउंडिंग ने वो 500 जूल हीट एब्जॉर्ब कर ली होगी एक ही सेकंड में? नहीं की होगी ना। अगर ऐसा होता तो हम कभी दो चीजों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस को समझ ही नहीं पाते। क्यों? आप सोचो, आप सर्दियों में अलाव जलाते हो हाथ तापने के लिए, हमारे यहाँ हाथ तापना बोलते हैं, आपके यहाँ भी हाथ तापना ही बोलते होंगे वैसे तो, बट स्टिल है ना, अपने हाथ सेकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अलाव जलाते हैं। अब आप सोचो, जब वो लकड़ी जलती है उसकी हीट से आप हाथ सेकते हो, आप सोचो लकड़ी के जलते ही उसकी सारी हीट सराउंडिंग खींच गया, बताओ क्या आपको अपने हाथ सेकने का टाइम मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हाँ, सिस्टम ने एक सेकेंड में 500 जूल हीट थ्रो कर दी, लेकिन सराउंडिंग ने वो हीट एक सेकंड में नहीं ली होगी। सराउंडिंग उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है। अगर सराउंडिंग उसको उसी टाइम में एब्जॉर्ब कर लेता तो आपको उस गर्मी का एहसास ही नहीं होता जो आपको उस लकड़ी को जलाने से मिल रही है। समझ रहे हो? तो मैं कहना चाह रहा हूं कि सराउंडिंग यहां पर इस हीट को धीरे धीरे लेगा। अगर वो इसको धीरे धीरे लेगा तो इस प्रोसेस को हम कैसा प्रोसेस मानेंगे? रिवर्सिबल। कैसा? रिवर्सिबल। चलो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, वो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मेरी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, ठीक है, क्या हो गई? 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। मान लो, मानने में क्या जाता है, लगने वाली तो है नहीं, और मुझे सारे पैसे कैश में मिले। जैसे 2,000 रुपए के नोट पड़े हुए मेरे पास, एक पूरा बोरा होता है, बोरा समझते हो, थैला, बड़ा सारा थैला लेकर मैं आ गया, और मुझे लगा मैं इतने पैसे का क्या करूंगा, मैं वैसे भी बहुत दयालु इंसान हूं, है ना। तो मैं पहुंच गया एक जगह पर जहाँ पर 20-30 भिखारी बैठे हुए थे और तो मुझे ज़्यादा मिले नहीं। तो मैंने यहाँ गया, मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया ऐसा, मैं यहाँ खड़ा हो गया, यहाँ पे मैंने सब भिखारियों को बोल दिया कि तुम सब इकट्ठे हो जाओ भाई, मैं आज पैसे उड़ाने वाला हूँ, बहुत सारे पैसे बांटने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एक करके एक एक 2,000 का नोट ऐसे फेंकना शुरू किया। मैं 10 लाख रुपये लेके आ गया बांटने के लिए। 1 करोड़ की लॉटरी लगी है तो 10% तो हम दान कर ही लेते हैं। तो 2,000 रुपये का एक एक नोट मैंने फेंकना शुरू किया, ठीक है। आप मुझे बताओ, 2,000 के जो मैं नोट थ्रो कर रहा हूं उनके जमीन पे गिरने के क्या चांसेस हैं? जीरो। मैं एक नोट थ्रो करूंगा, कोई ना कोई भिखारी उसको कैच कर ही लेगा, फिर एक और थ्रो करूंगा, फिर कोई ना कोई कैच कर लेगा।
चलो सीन थोड़ा चेंज करते हैं, मैं एक एक नोट फेंकते फेंकते थक गया, 1,00,000 रुपये बांटे उतने में थक गया, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये पूरा का पूरा थैला उठाऊंगा और ऐसे कैसे सारे नोट फेंक दूंगा, सारे नोट खुले हुए हैं, ठीक। चलिए अब जब मैंने सारे नोट एक साथ फेंक दिए तो बताओ नोट के ज़मीन पे गिरने के चांस कितने होंगे? अरे नहीं नहीं जीरो नहीं होंगे, आपकी बात थोड़ी कर रहा हूँ भाई, ठीक है भिखारी होते हैं, इतने इतने बड़े लेवल के भिखारी थोड़े ना होते कि मैंने एक साथ 9,00,000 रुपये, मतलब 9,00,000 निकालो आप 2,000 के हिसाब से कितने हो गए, कितने हो गए 180 नोट, नहीं 180 ना होंगे, कितने होंगे 450 शायद हो जाएंगे, 450 × 2 900, तो 900,000 9,00,000 रुपये हो गए। 450 नोट मैंने एक साथ फेंक दिए, 20-30 भिखारी, क्या 30 भिखारी और ले आओ, तब भी 450 नोट को एक साथ हवा में कैच नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिकल बात करें तो देखो कुछ ना कुछ नोट जमीन पे गिरेंगे ही गिरेंगे, समझ रहे हैं? तो आप इन दो सिनेरियोज को समझें, जब मैं एक एक करके नोट थ्रो कर रहा था और जब मैंने एक साथ नोट थ्रो किए, ठीक है, मैं हूं सिस्टम, मैं सिस्टम, ये जो नोट मैं थ्रो कर रहा हूं वो है हीट, ठीक। चलिए पहले मैंने 1,000-2,000 का नोट फेंका, यानी थोड़ी सी हीट फेंकी तो सराउंडिंग ने थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब कर ली, मतलब भिखारियों ने नोट कैच कर लिया, जमीन पे नहीं गिरा। फिर मैंने अगला नोट फेंका, उन्होंने अगला नोट भी कैच कर लिया। इस तरह से मैंने एक एक करके नोट थ्रो करना शुरू किया तो सब लोगों ने क्या किया, एक एक करके नोट कैच करते गए। लेकिन जैसे मैंने सारे नोट एक साथ फेंके, दैट इज इररिवर्सिबली काम किया, मैंने सारे नोट एक साथ थ्रो कर दिए, तो जब सारे नोट एक साथ थ्रो किए तो जो बाहर लोग बैठे थे वो सारे नोटों को एक साथ कैच नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मैंने तो इररिवर्सिबली काम कर दिया, नोट का बोरा एक साथ थ्रो कर दिया, लेकिन सराउंडिंग उसको एक साथ कैच नहीं कर पाया, एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। इसका मतलब यह है कि सिस्टम कैसे भी काम कर ले, चाहे मैं नोट धीरे धीरे फेंकूं चाहे एक साथ फेंकूं, सराउंडिंग तो उसको धीरे धीरे ही लेगा, वो उसको रिवर्सिबली ही लेगा। जो नोट गिर गए, अब अगर मैं बोल दूं लोगों को कि जो नोट गिर गए उनको आप उठा भी सकते हो, तो देखो सराउंडिंग धीरे धीरे अपनी एंट्रोपी को वापस बराबर, मतलब जो हीट मैंने दी उस हीट को वो धीरे धीरे क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर हम कंडीशन डाल देते कि जो नोट गिर गए वो आप काउंट नहीं करोगे, तो फिर आप ये देखते कि सिस्टम ने जितनी हीट दी उतने ही टाइम में सराउंडिंग में थोड़ी कम हीट ली होगी। मान लो मैंने 1,00,000 फेंके तो जो गिर गए वो गिर गए, उनके हाथ में 1,00,000 तो पूरे नहीं आए होंगे ना, समझ रहे हो? तो इस चीज़ से आप समझें कि सिस्टम चाहे कैसे भी काम कर ले, हम ये मानकर चलते हैं कि सराउंडिंग कैसे काम करेगा, रिवर्सिबली काम करेगा। तो हाँ हाँ, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। हम यहां पर बोल सकते हैं कि दिस हीट विल बी, मान लो उसने हीट रिलीज की है, तो हम मान लेते हैं दिस हीट विल बी टेकन अप बाय सराउंडिंग। कैसे? रिवर्सिबली। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, सिस्टम रिवर्सिबली काम करेगा तब भी सराउंडिंग रिवर्सिबली ही काम कर रहा होगा, सिस्टम इररिवर्सिबली काम करेगा तब भी सराउंडिंग कैसे काम कर रहा होगा, रिवर्सिबली ही काम कर रहा होगा। तो बहुत ध्यान से देखें, मैं अब सिंबल फॉर्म में लिख रहा हूं कि क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग जो होगा, बताओ वो किसके इक्वल होगा, जो हीट सिस्टम ने दी, बताओ सिस्टम ने कितनी हीट दी क्यू इररिवर्सिबल के बराबर। एक और चीज, सिस्टम ने दी तो सराउंडिंग ने ली, सिस्टम ने ली तो सराउंडिंग ने दी, मतलब इसका साइन किसके इक्वल होगा, माइनस क्यू इररिवर्सिबल के इक्वल। बताओ ये आपको समझ में आता है? आता है, तभी हम इन चीजों से डील कर पाएंगे। एक बार इसको समझे, फॉर्मूला तो हम बना ही लेंगे, बट फॉर्मूला रटना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको देखना चाहिए कि फॉर्मूला बन कैसे रहा है। तो देखें, सराउंडिंग ने रिवर्सिबली काम किया, सराउंडिंग रिवर्सिबली जो हीट ले रहा है वो एक्चुअली माइनस ऑफ क्यू इरिवर्सिबल के बराबर है। तो अगर मैं डेल्टा सराउंडिंग कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वो किसके इक्वल होगा, क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग अपॉन टी के, और इसकी वैल्यू आप यहां रखो तो फाइनली आपके पास किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा सराउंडिंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी सराउंडिंग। क्या होगा? माइनस क्यू इररिवर्सिबल अपॉन टी सराउंडिंग, ये आपके लिए डेल्टा सराउंडिंग का फॉर्मूला होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो क्या क्या सीखा हमने, देखो मैं समराइज करता हूं, बहुत सिंपल है अब, कि आपके पास दो तरह के प्रोसेस हैं, एक रिवर्सिबल और एक इररिवर्सिबल।
रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो डेल्टा एस टोटल होता है जीरो, तो जो डेल्टा एस सिस्टम होगा वही माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो डेल्टा सिस्टम उतना ही रहेगा, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, बस ये रिवर्सिबल हम इमेजिनरी पाथ से निकाल लेंगे। और जो डेल्टा सराउंडिंग का फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी सराउंडिंग के इक्वल। ये अपना बेसिक सा फॉर्म है जो हम लोगों ने यहाँ पर सीखा, इसी को हम अभी अपना ये सब आपको याद हो जाएगा, थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे चीज़ों का। अब हम एक एक करके वापस से अलग अलग प्रोसेस के लिए डेल्टा सिस्टम सराउंडिंग टोटल कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले आप इसे कॉपी करें, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और इस टॉपिक को थोड़ा और एनालाइज करते हैं। तो चलो अब हम सबसे पहले अलग अलग सिस्टम लेकर चलेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला सिस्टम है दैट इज फॉर एन आइडल गैस। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एक आइडल गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइडल गैस का एक्सपेंशन हो या फिर कंप्रेशन हो, तो आप पूरा लिख लो, फॉर एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ एन आइडल गैस। तो एक आइडल गैस का या तो एक्सपेंशन हो रहा हो या फिर क्या हो रहा हो, कंप्रेशन हो रहा हो, उस केस में हम लोग एंट्रोपी चेंज निकालना चाहते हैं। अब देखो आइडल गैस का एक्सपेंशन बहुत तरीके से हो सकता है, आइसोकोरिक हो सकता है, आइसोबारिक हो सकता है, आइसोथर्मल हो सकता है, एडियाबेटिक हो सकता है, उन सारे केसेस से भी कवर करेंगे। लेकिन अभी तो हम एक जनरल फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत सिंपल सी बात है कि आपके पास सपोज कोई एक आइडल गैस है, उसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। आपने इसको एक्सपेंड किया और पहुंचा दिया P2, V2 और T2 पर, ठीक है। मुझे इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज निकालना है। तो हमने सीखा कि अगर आप एंट्रोपी चेंज ds निकालना चाहो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, dq रिवर्सिबल अपॉन t होता है। अगर हम फर्स्ट लॉ से बात कर लें, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जगह कम पड़ जाएगी, तो एंट्रोपी चेंज हो गया dq रिवर्सिबल अपॉन t। अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से बात करो, FLTD से, तो बताओ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, du इज इक्वल्स टू क्या होता है, dq प्लस dw होता है। तो बताओ आप dq रिवर्सिबल की जगह क्या लिख सकते हो, du माइनस dw लिख सकता हूं। थोड़ा और वैल्यूज रखना शुरू करें तो देखें dq रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू क्या बन गया, du। du का फॉर्मूला आपने सीखा है, होता है ncv dt। dw का फॉर्मूला होता है माइनस pdv, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू pdv। वैसे p एक्सटर्नल dv होता है, तो अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हो तो p एक्सटर्नल p गैस के बराबर होगा, या आपके पास dq का फॉर्मूला बन गया। इस वैल्यू को उठा के आप इस इक्वेशन में रखें तो बताओ ds इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ncv dt प्लस pdv अपॉन t बनेगा। अभी आप क्या करो, t को दोनों के नीचे सेपरेट कर दो। जैसे सेपरेट करोगे बताओ ds इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ncv इंटू dt अपॉन t प्लस, बताओ क्या मैं p की जगह nRT अपॉन v लिख लूं, सही है। तो देखो इस t से t कैंसिल, ये इक्वेशन बन जाएगा nR अपॉन v इंटू dv। अब आप ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, इंटीग्रेट करना शुरू करें, है ना, स्टेट फंक्शन है, इंटीग्रेट करोगे तो नेट चेंज मिलेगा। तो इसको इंटीग्रेट करो s1 से s2 तक, इसकी लिमिट जाएगी t1 से t2 तक, और इसकी लिमिट जाएगी v1 से v2 तक, जाएगी ना। तो बताओ ये तो क्या बन गया, डेल्टा एस। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर यह कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ डेल्टा एस लिखा है, मतलब हम डेल्टा एस सिस्टम निकाल रहे हैं। तो हमारा सिस्टम कौन है, अभी आइडल गैस है, तो डेल्टा एस गैस जो होगा, तो देखो एन और सीवी को बाहर निकाल लो, अगर सीवी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है तो आइडल गैस के लिए सीवी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। तो एन सीवी, बताओ dt अपॉन t का इंटीग्रेशन बनेगा ln t, और इस पर लिमिट लगाओगे तो ln t2 अपॉन t1 प्लस, ये क्या बन जाएगा बताओ, nRln V2 अपॉन V1। तो एक फॉर्म तो आ गया ये, अगर आइडल गैस का टेम्परेचर और वॉल्यूम बदल रहा हो तो उसके लिए आप एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, ncv ln T2 अपॉन T1
प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको आप ना प्रेशर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो भी देखो, वो फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको यही यूज करना पड़ेगा और कई बार आपको वाला फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, वी टू अपॉन वी वन, तो आइडल गैस के लिए वी टू अपॉन वी वन को देखो, पी टू वी टू अपॉन पी वन वी वन किसके इक्वल होगा, टी टू अपॉन टी वन के होगा ना, है ना, पी वी इक्वल टू आरटी से। तो आप देखो वी टू अपॉन वी वन की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, पी वन अपॉन पी टू इंटू टी टू अपॉन टी वन। इस वैल्यू को उठा के यहां रखो, तो बहुत ध्यान से देखना, आपका जो डेल्टा एस गैस है वो कितना हो जाएगा, एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन होगा, प्लस देखो इसकी जगह लिखूंगा ये टर्म, एल एन ए इंटू बी होता है एल एन ए प्लस एल एन बी, तो मैं सेपरेट करके लिख रहा हूं, एक टर्म तो बन जाएगा एन आर एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन अपॉन पी टू। कुछ कॉमन आ रहा है, आ रहा है, एन एल एन टी टू बाई टी वन। तो आप देखो एन एल एन टी टू अपॉन टी वन, यहां क्या बचेगा, सी वी प्लस आर प्लस साथ में क्या बनेगा, ये एन आर एल एन पी वन अपॉन पी टू बनेगा। अब आप देखो सी वी प्लस आर टर्म क्या बन जाएगा, सी पी, और जैसे ये टर्म सी पी बना, बताओ डेल्टा एस गैस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस, प्लस क्या बनेगा बताओ, एन आर एल एन पी वन अपॉन पी टू। तो ये दो फॉर्म्स हैं एंट्रोपी चेंज की, एक डेल्टा एस वॉल्यूम के टर्म्स में और एक प्रेशर के टर्म्स। तो आप सिर्फ एक याद रख लो, कोई भी, जैसे ये याद हो गया आपको, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। तो अगर आपको प्रेशर के टर्म्स में लिखना है तो सी वी की जगह तो लिख दोगे सी पी, और देखो वी और पी में उल्टा रिलेशन होता है, तो अगर यहाँ वी टू बाई वी वन है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पी वन अपॉन पी टू बन जाएगा। ध्यान दें अभी हमने कोई प्रोसेस डिफाइन नहीं किया है, ये सबके लिए वैलिड है, आइसोकोरिक आइसोबैरिक आइसोथर्मल, जैसे जैसे कंडीशन आते जाएगी मैं यहां पर वैल्यू रखता जाऊंगा। कैसे मैं आपको बताता हूं, एक बार आप इसे कॉपी करें। तो देखो पहले काम की चीज समझो, अभी याद कुछ नहीं रखना है, बस देखते चलो। तो डेल्टा एस गैस का एक फॉर्मूला याद रखना है, ये विच इज एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन क्या बन जाएगा बताओ, वी टू अपॉन वी वन, ठीक है। या फिर आप एक और फॉर्म लिख सकते हो, क्या, एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, सही है। अब एक चीज, थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेल्टा सिस्टम सराउंडिंग टोटल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए कैलकुलेट करना सिखाया था। तो देखें अभी हमने क्या किया, हमने पी वन वी वन और टी वन स्टेट से हम पहुंचे P2, V2 और T2। तो यहां से आए हम रिवर्सिबल पाथ से और हमने ये फॉर्मूला निकाला। अब आप सोचो, आप A से B इसी पाथ से इसी पाथ तक इरिवर्सिबली आए होते और आपको डेल्टा सिस्टम निकालना होता, तो आप क्या करते, हाँ आप A से B आने का एक रिवर्सिबल पाथ बनाते, यही करते। तो देखो यही तो वो रिवर्सिबल पाथ होता, एक्चुअली तो आप ऐसे आ रहे हो, जब आप सोचते कि आप रिवर्सिबली कैसे आए होंगे तो ऑब्वियसली आप इस रिवर्सिबल रास्ते से आए होंगे। तो अगर आप इस रिवर्सिबल रास्ते से इमेजिनरी रास्ते से आकर डेल्टा एस निकालोगे तो वैल्यू तो यही आएगी ना, नहीं समझ में आया भाई, आप ए से भी आए एक इरिवर्सिबल रास्ते से, ठीक है। हमने सीखा है कि हम इरिवर्सिबल के लिए डायरेक्ट एंट्रोपी चेंज नहीं निकाल सकते, तो हमें एक इमेजिनरी पाथ बनाना पड़ेगा। तो जो इमेजिनरी पाथ होगा वो रिवर्सिबली तो होगा, तो यही तो पाथ होगा रिवर्सिबल। ए से बी आने का एक्चुअल पाथ है वाइट, तो जो इमेजिनरी पाथ है वो क्या है आपका, येलो। तो जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं पहले ही बोला मैंने, कि प्रोसेस चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर बोथ। अभी यूज भी करूंगा मैं इसको, इसलिए एप्लीकेबल फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये आप समझे, मैं बहुत स्ट्रेस दे के बोल रहा हूँ बार बार, इसलिए ताकि आप न्यूमेरिकल्स में एक्सेल कर पाए दूसरे लोगों से।
डेल्टा सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, दोनों का डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला सेम बनेगा। डिफरेंस किस में आता है? डेल्टा एस सराउंडिंग में। किस में आता है? डेल्टा एस सराउंडिंग में। चलिए, खैर ये तो मैं आपको और बार बार बोल के याद करवा ही दूंगा। अभी आप देखें, यह है कॉमन फॉर्मूला। अब मान लो आपका प्रोसेस आइसोकोरिक है। कैसा है? आइसोकोरिक है। तो अगर आइसोकोरिक है तो बताओ आइसोकोरिक के लिए वी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी टू होगा। अगर वी वन इक्वल टू वी टू हो गया तो देखो ये टर्म जीरो हो जाएगा लॉग वाला। जैसे ये टर्म जीरो होगा तो बताओ अब डेल्टा एस सिस्टम कितना बन जाएगा? एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी। सही है। अगर आपका प्रोसेस आइसोबैरिक हो गया, आइसोबैरिक, तो बताओ आइसोबैरिक के लिए क्या होता है? पी वन इज इक्वल्स टू पी टू। तब बताओ आपका डेल्टा एस सिस्टम क्या बन जाएगा? तब एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, या फिर आप इसे एन आर एल एन पी वन अपॉन पी टू बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल के लिए टी वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टी टू। और अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब बदल रहे हैं तो ये पूरा फॉर्मूला आपके पास एप्लीकेबल होगा। चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। सही है। तो ये हमारा एक कॉमन कंबाइंड फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम अलग अलग प्रोसेसेस के लिए डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग और डेल्टा एस टोटल तीनों कैलकुलेट करना सीखेंगे। कैसे? बहुत ही ध्यान से देखें। चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन से प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसे मैंने आपसे कहा आइसोकोरिक प्रोसेस है, वी वन इक्वल टू वी टू हो जाएगा। तो चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, बताओ डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला तो क्या बनेगा? एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन। सबसे पहली चीज। ठीक, अब मैं इसके लिए चलता हूं दो पार्ट्स में, एक रिवर्सिबल आइसोकोरिक और दूसरा इरिवर्सिबल आइसोकोरिक। ध्यान से देखें फिर क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर। अगर ये रिवर्सिबल आइसोकोरिक है तो बताओ एंट्रोपी के टर्म्स में रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल कितना होता है? हाँ, वेरी गुड, जीरो। अगर डेल्टा एस टोटल जीरो है तो बताओ डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग की होगी और दोनों की वैल्यू ही क्या बनेगी? एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी। पहले तो आपको थ्योरेटिकली समझ में आना चाहिए, मैं बार बार बोल भी रहा हूँ आपसे बार बार, कि रिवर्सिबल के लिए आपको डेल्टा सराउंडिंग निकालना ही नहीं पड़ता है। सिर्फ डेल्टा सिस्टम निकाल लो, उसी से हम डेल्टा सराउंडिंग भी निकाल देंगे। लेकिन अगर आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल हो तो फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। अब मेरा प्रोसेस इरिवर्सिबल आइसोकोरिक है। कैसा है? इरिवर्सिबल आइसोकोरिक है। तो देखो, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला तो यही बनेगा, एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन, है ना। अब डिफरेंस किसका आएगा? डेल्टा एस सराउंडिंग का। चलिए, प्रोसेस इरिवर्सिबल है। अच्छा, आप देखो अपने नोट्स में देखो, हमने इरिवर्सिबल की कंडीशन लिखी थी कि इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस टोटल हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये भी आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा कि डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को ऐड करके आप जब डेल्टा एस टोटल निकालोगे तो वो वैल्यू कैसे आनी चाहिए? पॉजिटिव। सही है। चलिए बताओ, क्या मैंने आपको डेल्टा सराउंडिंग का कोई फॉर्मूला सिखाया? हाँ बिल्कुल सिखाया। क्या सिखाया? माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। अब आप समझे काम की बात। आप ए से बी, स्टेट वन से स्टेट टू आए, है ना, इसको स्टेट वन बोल देते हैं और इसको स्टेट टू। इरिवर्सिबल पाथ से आए, और वो भी कौन से पाथ से? आइसोकोरिक आए। तो यहां पर जो आपने हीट दी होगी क्यू इरिवर्सिबली, क्यू इरिवर्सिबल बताओ वो किसके इक्वल होगी? याद करो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी गई हीट किसके बराबर होती है? डेल्टा यू। यानी जो क्यू इरिवर्सिबल होगा वो यहां पर डेल्टा यू के बराबर होगा।
अपॉन टी सराउंडिंग। तो अगर आप एक आइसोकोरिक प्रोसेस में हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डेल्टा सराउंडिंग अगर निकालना है तो क्यू निकालो, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन जीरो होता है, तो क्यू इरिवर्सिबल डेल्टा यू के इक्वल होगा। तो क्यू इरिवर्सिबल की जगह डेल्टा यू लिख दो और आप यहाँ से डेल्टा सराउंडिंग निकाल सकते हो। एक बार आपको डेल्टा सराउंडिंग मिल गया तो बताओ डेल्टा एस टोटल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग के इक्वल होगी। तो ये सब मैंने क्या किया, इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, वहां से आपको इसके अंदर ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलिए पहले आप इसे कॉपी करें फिर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो ये छोटा सा क्वेश्चन जो हमने पढ़ा उसी के ऊपर, दैट इज योर आइसोकोरिक प्रोसेस। आपसे कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडल मोनोटोमिक गैस है विच वॉज टेकन थ्रू आइसोकोरिक हीटिंग फ्रॉम 100 केल्विन टू 1000 केल्विन। तो आप एक आइडल गैस को 100 केल्विन से 1000 केल्विन तक हीट कर रहे हो। कैलकुलेट डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग एंड डेल्टा एस टोटल, तीन चीज़ें आपको निकालनी है। व्हेन द प्रोसेस इज कैरिड आउट रिवर्सिबली एंड व्हेन द प्रोसेस इज कैरिड आउट इरिवर्सिबली। ठीक है, चलिए तो कैलकुलेट करने चलते हैं। पहला पार्ट करते हैं रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। तो देखें रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, बोलता रहूँ बोलता रहूँगा कि प्रोसेस चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, बताओ डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला तो क्या बनेगा, एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन, क्योंकि आइसोकोरिक है। चलिए रखना शुरू करें वैल्यूज, मोल्स हैं 1। कैसी गैस है, मोनाटोमिक। बताओ मोनाटोमिक के लिए सी वी कितना होता है, 3R/2 इंटू एल एन टी टू अपॉन टी वन। तो टी टू है 1000 अपॉन टी वन है 100, ये हो जाएगा एल एन 10, तो ये बनेगा 3R/2 इंटू एल एन 10 के लिए हो जाती है 2.303। तो मैं 2.3 लेके चल रहा हूँ उसको, तो उसको सॉल्व कर लो। देखो ये बन जाएगा 3 × 1.15 R, या फिर आप इसे 3.45 R लिख सकते हो। ये आ गया डेल्टा एस सिस्टम। अब मान लो अपने को आंसर कैलोरीज में चाहिए तो R के लिए रख दो 2, तो इंटू 2 करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 6.9 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, है ना। ये आपके एंट्रोपी की यूनिट होती है। तो ये तो आ गया डेल्टा एस सिस्टम आ गया। बताओ प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल है तो डेल्टा एस टोटल कितना होगा, हाँ वेरी गुड 0। और अगर डेल्टा एस टोटल 0 है तो बताओ डेल्टा एस सराउंडिंग किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम के। यानी यहां से डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू हो जाएगी -6.9 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये तो वह पहला पार्ट रिवर्सिबल। अब यही प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल हो तो क्या फर्क पड़ेगा, आओ वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है, चलिए तो इरिवर्सिबल आइसोकोरिक की अब हम बात कर रहे हैं। अगर यही प्रोसेस इरिवर्सिबल आइसोकोरिक है तो पहली चीज जो मैं आपको बोलता हूं बार बार, डेल्टा एस सिस्टम तो उतना ही रहेगा, दैट इज एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन, चाहे आप रिवर्सिबली जाओ चाहे इरिवर्सिबली। और इसकी वैल्यू आपने 6.9 कैलोरी पर केल्विन पर मोल निकाल ली है, है? अब डिफरेंस आएगा किसमें, डेल्टा एस सराउंडिंग में। तो बताओ डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या, माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। तो अगर इरिवर्सिबल आइसोकोरिक है तो बताओ उसमें क्यू किसके इक्वल होगा, डेल्टा यू। तो माइनस डेल्टा यू का फॉर्मूला लगाओ, एन सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन अपॉन, ये होता है टी सराउंडिंग। अब बताओ टी सराउंडिंग कितना लें, तो आप ध्यान से देखें आपने सिस्टम को 100 केल्विन से 1000 केल्विन पर तक हीट दी होगी, मतलब क्या है कि सराउंडिंग रहा होगा 1000 केल्विन पर। सराउंडिंग से आपने सिस्टम को हीट करना शुरू किया कब तक, जब तक सिस्टम भी कहां पर नहीं आ चुका होगा, 1000 केल्विन पर आ चुका होगा। तो यहां पर हम सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना लेकर चलेंगे, फाइनल टेम्परेचर दैट इज 1000 केल्विन के इक्वल, और यहां पर आप उसको टी सराउंडिंग लिखोगे। चलिए वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो अगर हम यहां से डेल्टा सराउंडिंग निकालें तो माइनस एन, बताओ मोल्स कितने हैं गैस के, 1। सी वी की वैल्यू कितनी होगी, 3R/2 इंटू टी टू माइनस टी वन,
तो 1000 माइनस 100 अपॉन टी सराउंडिंग कितना है 1000, क्योंकि आंसर कैलोरीज में देना है, आर की जगह रखो 2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, ये बनेगा माइनस 3 इंटू ये कितना हो गया 900 अपॉन 1000, तो 0000 गया, ये वाली आपको मिल जाएगी माइनस 2.7 कैलोरी पर केल्विन पर, ये आ गया डेल्टा एस सराउंडिंग। बस यही मेन डिफरेंस होता है, डेल्टा सिस्टम तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, मेन चीज आपको क्या ढूंढनी होती है, डेल्टा एस सराउंडिंग ढूंढनी होती है। ढूंढ ली, जैसा मैंने आपसे बोला अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो डेल्टा एस टोटल कैसा आना चाहिए, इसका पॉजिटिव आना चाहिए। तो आप ऐड करके देख लो, अगर मैं यहां से डेल्टा एस टोटल निकालूं तो वो होगा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, तो आपको दिख रहा है डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.2 जूल सॉरी कैलोरी पर केल्विन पर। तो जो भी कुछ हमने सीखा यहां पर, हम इस न्यूमेरिकल में हमने प्रूव कर लिया है, पहली चीज चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला सेम आएगा, डिफरेंस आएगा डेल्टा एस सराउंडिंग में, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, दोनों को ऐड कर दो तो आपको यहां से डेल्टा एस टोटल मिल जाएगा, कर सकते हैं ना। तो बस ये सिंपल सा तरीका होता है डेल्टा एस सिस्टम टोटल और डेल्टा एस सराउंडिंग निकालने का। तो ये हमने किसके लिए सीखा, आइसोकोरिक के लिए। कॉपी करें, फिर मूव करते हैं अपने अगले प्रोसेस पर, दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस पर। चलो तो अब बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस की। तो सेम है जैसे आपने आइसोकोरिक के लिए किया एग्जैक्टली वैसे ही आप क्या कर सकते हो यहां पर आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए भी चीजों को डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि बहुत आसान है। देखें ठीक, अब बताओ प्रोसेस आइसोबैरिक है, फिर से हम वही बात करेंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। तो सबसे पहले तो आप मुझे डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला बता दो। तो क्योंकि यहां पर P1 इक्वल टू P2 है तो हम प्रेशर वाला फॉर्म लगाएंगे, तो डेल्टा एस सिस्टम तो बन जाएगा NCP ln T2/T1। अब आप डिफरेंस देखते चलो, वहां पर था NCP ln T2/T1, यहां क्या बन गया है NCP ln T2/T1। सही है, फिर से वही दो पार्ट, पहला अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हो तो होने दो, अगर रिवर्सिबल आइसोबैरिक है तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। रिवर्सिबल आइसोबैरिक के लिए बताओ डेल्टा एस टोटल कितना हो जाएगा, जीरो होगा। डेल्टा एस टोटल जीरो तो डेल्टा एस सिस्टम जो होगा वो माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग के इक्वल होगा और फॉर्मूला सेम बन जाएगा NCP ln T2/T1। सही, लेकिन अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल हो तो होने दो। इरिवर्सिबल आइसोबैरिक में हम क्या करेंगे भाई, डेल्टा सिस्टम तो बदलने से रहा, वो तो हो जाएगा NCP ln T2/T1। हाँ, डेल्टा सराउंडिंग बदलेगा तो बताओ डेल्टा सराउंडिंग किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी के। सही है, हम बात कर रहे हैं आइसोबैरिक में हीट की। तो हमने प्रूव किया हुआ है फर्स्ट लॉ में कि आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए जो हीट एक्सचेंज होता है वो हमेशा डेल्टा एच के बराबर होता है। तो बस आप यहां पर सेम वही चीज रख दो, वहां हमने क्यू इरिवर्सिबल को डेल्टा यू के इक्वल लिखा था आइसोकोरिक में, यहां बन जाएगा माइनस डेल्टा एच अपॉन टी सराउंडिंग। डेल्टा सिस्टम आ गया, डेल्टा सराउंडिंग आ गया, ये हम जानते ही हैं कि प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल है तो डेल्टा एस टोटल कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। बोले बात समझ में आती है, तो एग्जैक्ट सेम है, बस प्रेशर वॉल्यूम को प्रेशर ने रिप्लेस कर दिया, वहां वॉल्यूम कांस्टेंट था यहां प्रेशर कांस्टेंट है, वहां फॉर्मूला था NCP ln T2/T1 यहां है NCP ln T2/T1, वहां था डेल्टा यू, यहां क्या आ चुका है डेल्टा एच। चलिए कॉपी करें, इसके लिए भी फिर मैंने आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया हुआ है जो आपको करना है, वो क्वेश्चन आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉपी करें तो देखो ये आपके लिए एक और छोटा सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें और फटाफट से मुझे इसके आंसर्स दें, तो डिस्कस करें इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ आइडल डायटोमिक गैस है,
विच इज हीटेड एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटीएम टू डबल इट्स टेम्परेचर। ठीक है, आपने एक आइडल डायटोमिक गैस ली है, उसका इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी वो 300 केल्विन पर थी। आपने इसको कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटीएम पर हीट किया है सच दैट टू डबल इट्स टेम्परेचर, मतलब अब आपका टेम्परेचर कितना हो चुका होगा, आपका नहीं मतलब सॉरी गैस का टेम्परेचर कितना हो चुका होगा, 600 केल्विन। बट यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा सिस्टम, डेल्टा सराउंडिंग एंड डेल्टा टोटल, तीन चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, वही कंडीशन है दोनों, एक रिवर्सिबली और एक इरिवर्सिबली। अब आप देखो, पहली चीज़ हम निकाल लेते हैं डेल्टा सिस्टम। देखो प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो आइसोबैरिक प्रोसेस है, और आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, NCpLnT2/T1, नो मैटर वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो कोई भी केस हो डेल्टा सिस्टम तो इतना ही आएगा। तो आओ कैलकुलेट करते हैं, 1 मोल गैस है, डायटोमिक गैस है, तो सीपी की वैल्यू हो जाएगी 5R/2 इंटू LN2, क्योंकि टेम्परेचर डबल हो चुका है। ठीक, सॉल्व करें, कैलोरीज में रखते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, LN2 होता है 0.7, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 3.5 कैलोरी पर केल्विन पर। सही है, अब पहला पार्ट जो प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है तो डेल्टा सिस्टम और डेल्टा सराउंडिंग की वैल्यू सेम आएगी, बस साइन अपोजिट होंगे और वैल्यू आ जाएगी 3.5 कैलोरी पर केल्विन पर। चलिए सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं, जब आपका प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल। तो जब प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो हमने बात में कर ही लिए, देखो मैंने आपसे कहा था ना ये बात, तो मैं आपको याद करवा दूंगा अपने आप ही। तो चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, डेल्टा सिस्टम तो इतना ही रहेगा, दैट इज NCpLnT2/T1, और उससे वैल्यू आएगी ये। अब बात आती है डेल्टा सराउंडिंग की, तो अगर मुझे डेल्टा सराउंडिंग निकालना है तो डेल्टा सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या होगा, -Q irreversible/T। और एक आइसोबैरिक प्रोसेस में जो भी हीट एक्सचेंज होगी वो डेल्टा एच के बराबर होगी, तो दैट विल बी इक्वल टू -Δh विच इज NCp T2-T1/T सराउंडिंग। देखो आपको टी सराउंडिंग यहाँ पे दिया हुआ है विच इज 600 केल्विन, कुछ भी नहीं बोला है, तो फिर आप उसको फाइनल टेम्परेचर के इक्वल लेकर चल सकते हो। ठीक, चलिए तो वैल्यूज रखते हैं, माइनस एन, बताओ एन की वैल्यू 1, सीपी डायटोमिक गैस के लिए सीपी कितना हो जाएगा, वही 5R/2 इंटू T2-T1, तो 600-300 is 300/600। देखो ये इसको 2 times कैंसिल करेगा, ये R को 2 times कैंसिल करेगा, तो आपको डेल्टा सराउंडिंग की वैल्यू मिल जाएगी -2.5 कैलोरी पर केल्विन पर। होगा, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये रहा सिस्टम, ये रहा सराउंडिंग, आप दोनों को ऐड कर दो तो आपको डेल्टा एस टोटल की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1 कैलोरी पर केल्विन पर। तो ये आपके पास सिंपल सा तरीका होता है जिससे आप एक आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा सिस्टम और डेल्टा सराउंडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो तो मूव करते हैं अपने अगले प्रोसेस पे। अब जो आप अगले 2-3 प्रोसेस पढ़ने वाले हो, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर एंट्रोपी से इस पार्ट से क्वेश्चन उठाया जाना है तो मैक्सिमम टाइम्स अपने इन 2 प्रोसेस दैट इज आइसोथर्मल और एडियाबेटिक से उठाया जाता है। तो डिस्कस करते हैं अपने 3rd प्रोसेस को, दैट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए बहुत ही ध्यान से देखें, एक आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसा कि आप जानते हो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा टी जीरो होता है, और डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी, 0, और डेल्टा एच भी कितना आता है, 0। ये तो मैं रिविजन के लिए लिखवा रहा हूँ, इन सबका यहाँ पर कोई ज़्यादा काम नहीं आने वाला है। चले, अगर डेल्टा यू 0 है तो बताओ क्यू किसके इक्वल होता है, -W के। ये थोड़ी सी काम की चीज़ है जो हम अभी काम में लेंगे, ठीक है, जो हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात करेंगे। चलिए तो पहले हम डिस्कस करते हैं एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस को, कौन से को, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। ध्यान से देखें, बहुत ही आसान सी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ तो रह गई जो हम बार बार बोलते हैं, आइसोथर्मल है ना, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, T1 = T2 होगा, और अगर T1 = T2 होगा तो जो हमने फॉर्मूला सीखा उसमें आप T1 = T2 रखो तो बताओ डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला क्या बनेगा। हाँ, वेरी गुड, NRLnV2/V1, या फिर आप इसे NRLnP1/P2 लिख सकते हो। सो दिस इज द थिंग, जो मैं फिर से बोलूंगा,
कि प्रोसेस चाहे रिवर्सिबल हो, प्रोसेस चाहे इरिवर्सिबल हो, डेल्टा एस सिस्टम किसके बराबर होगा? हाँ, NRLN V2 by V1 और NRLN P1 upon P2। चलो अब इसको डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में, एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल। बताओ अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो डेल्टा एस टोटल की वैल्यू कितनी आएगी? सही, जीरो। अगर डेल्टा एस टोटल जीरो है तो बताओ डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा? माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग के इक्वल होगा और दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, आइदर NRLN V2 upon V1 या फिर NRLN P1 upon P2। बस हो गया रिवर्सिबल आइसोथर्मल। अगर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल हो तो कोई नहीं, उसको भी देख लेते हैं कि जब प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल आइसोथर्मल होगा तो उस केस में क्या होगा। चलिए नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। देखो बहुत आसान है, मैं इन प्रोसेस को बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप समझ सके कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपको एक छोटी चीज आपने ध्यान रख ली, अपना काम हो जाएगा। तो देखो प्रोसेस चाहे रिवर्सिबल हो, प्रोसेस चाहे इरिवर्सिबल हो, बताओ डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू तो कैसी आएगी? वो तो सेम ही आएगी, NRLN V2 by V1 बोल दो या फिर NRLN P1 upon P2 बोल दो। सही है। अब हमें निकालना है डेल्टा एस सराउंडिंग। तो बताओ डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अब मेन चीज यह है कि हम क्यू रिवर्सिबल कैसे निकालें। निकालो यहां से, देखो एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू कितना है? जीरो। तो आप क्यू को किसके को लिख सकते हो? माइनस डब्ल्यू के। सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बताओ क्यू इरिवर्सिबल जो होगा वो माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल के होगा, और माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। तो देखो यहां से क्यू रिवर्सल निकाल के आप यहां रख दो, आपको डेल्टा सराउंडिंग मिल जाएगा। डेल्टा सिस्टम आ गया, सराउंडिंग आ गया, तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। और एक चीज, हाँ, ये डेल्टा एस टोटल हमेशा कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। सही है। चलिए कॉपी करें, इस पे भी एक दो क्वेश्चंस करते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि कैसे हम एक आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर सिस्टम सराउंडिंग और टोटल एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आपके लिए जो कि बेस्ड है आपके आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर। देखिए क्वेश्चन को, कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम 10 ATM टू 1 ATM। तो आपके पास एक आइडियल गैस है जिसको आपने 10 ATM प्रेशर से 1 ATM प्रेशर तक एक्सपेंड किया है अगेंस्ट अ कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 ATM। अब आप देखो ये लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी लिखा हुआ है कि गैस इज एक्सपेंडेड अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। हाँ, वेरी गुड। तो ये आपका कैसा प्रोसेस होगा? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। बस हमने पहचान लिया कि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल आइसोथर्मल है। तो पहली चीज डेल्टा एस सिस्टम, प्रोसेस चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, डेल्टा एस सिस्टम तो सेम आएगा। तो देखो एन की वैल्यू 1, आर मान लो आंसर कैलोरीज में देना है तो 2 इंटू LN 10 या 1/10 LN 1/10 है ना, P2 1 है, सॉरी P1/P2 होता है ना, उल्टा लिख दिया, V2/V1 होता है, LN 10/1 LN 10 हो गया 2.3, वैल्यू आ गई 4.6 कैलोरी पर केल्विन पर। सही है। चलिए अब कैलकुलेट करने चलते हैं क्या डेल्टा एस सराउंडिंग। तो बताओ डेल्टा एस सराउंडिंग निकालने के लिए मुझे किसके लिए चाहिए होगी? माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। तो टेम्परेचर तो आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्यू इरिवर्सिबल ढूंढना है तो आओ क्यू इरिवर्सिबल ढूंढने चलते हैं। ध्यान से देखना, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, बताओ डेल्टा यू कितना होगा? जीरो। डेल्टा यू जीरो होगा तो क्यू इरिवर्सिबल की वैल्यू माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल के बराबर होगी। फर्स्ट लॉ यूज कर रहे हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। बताओ डब्ल्यू इरिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। तो माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा P एक्सटर्नल इंटू, मैं V2 को लिखूंगा NRT2 अपॉन P2 माइनस NRT1 अपॉन P1। क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो T2 T1 की वैल्यू सेम हो गई। तो बहुत ध्यान से देखना, आप वैल्यूज रखें, P एक्सटर्नल तो है 1 ATM इंटू, ये NRT को निकाल लो बाहर,
to 1 upon P2, बताओ P2 कितना है 1, minus P1 कितना है 10, है? तो देखो 10 minus 1 कितना बन जाएगा ये, आपके पास value कितनी आ जाएगी, 9 by 10, है ना, ठीक है, तो ये बन गया NRT into 9 by 10, अभी solve मत करो, देखिए n तो 1 है तो n को तो 1 रख दो, तो RT into 9 by 10 बन गया, solve क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये value यहाँ उठा के रखनी है, तब आप देखो, अब अगर मैं यहाँ से डेल्टा सराउंडिंग निकालूँ, तो माइनस Q इर्रिवर्सिबल की वैल्यू है 9 by 10 into RT, और इसको डिवाइड करो T से, तो देखो T से T कैंसिल, वैल्यू आ गई माइनस 0.9 R, R की वैल्यू 2 रखो, तो आंसर कितना आ गया, माइनस 1.8 कैलोरी पर केल्विन पर, क्या आएगा, माइनस 1.8 कैलोरी पर केल्विन पर, अब आप देखो इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे आपको डेल्टा एस टोटल मिल जाएगा जो कि किसकी इक्वल होगा 4.6 प्लस माइनस 1.8 दैट वुड बी 2.4 ना 2.8 होगा। तो देखो ये आपके पास आ गई डेल्टा एस टोटल, और जैसा मैंने आपसे कहा था क्योंकि प्रोसेस ये इरिवर्सिबल है इसका डेल्टा एस टोटल कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। आप ध्यान रखें ये आपके क्रॉस चेक करने का तरीका है कि आपने क्वेश्चन सही किया है या गलत। अगर आप एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल निकाल रहे हो तो वैल्यू कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर वो नेगेटिव आ गई तो मतलब आपने कहीं ना कहीं क्या की है, मिस्टेक की है। कर सकते हैं, चलिए कर सकते हैं। तो मेरे पास आपके लिए एक और क्वेश्चन है जो आइसोथर्मल की सेकेंड वेराइटी है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। देखें ये क्वेश्चन, इसको ट्राई करें, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है ये। चलो हो गया, तो और डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर भी आप देखें एक मोल आइडियल गैस है विच एक्सपैंड्स आइसोथर्मली एट 298 केल्विन, तो फिर से आइसोथर्मल है अंटिल इट्स वॉल्यूम इज ट्रिपल्ड। तो अगर पहले वॉल्यूम v था तो अब वॉल्यूम कितना हो चुका है 3v, ठीक है। आपको डेल्टा एस गैस निकालना है, डेल्टा एस टोटल निकालना है, तो अब देखो डेल्टा एस टोटल निकालना है तो सराउंडिंग तो निकालना ही होगा, है ना, एक बार रिवर्सिबली और एक बार इरिवर्सिबल। चलो तो पहले हम बात कर लेते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए। अब आप देखो प्रोसेस रिवर्सिबल है और आइसोथर्मल है, तो रिवर्सिबल बोलते ही दिमाग में सीधा क्लिक करना चाहिए कि भैया डेल्टा एस टोटल तो कितना होगा, जीरो। और जैसे डेल्टा एस टोटल जीरो हुआ, डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग दोनों की वैल्यू आ जाएगी सेम। और बताओ आइसोथर्मल के लिए डेल्टा सिस्टम क्या बनेगा, एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, सही। चले रखे वैल्यूज, तो डेल्टा एस सिस्टम कितना हो जाएगा, मोल्स 1, आर के वैल्यू 2 ले लेता हूँ, चलो 2 ही लेना पड़ेगा, जूल में दे रहे हैं ना तो हम जूल में ही खेल लेते हैं फिर, तो आर के वैल्यू लेते हैं 8.3, है ना, ln v2 by v1, तो 3 हो जाएगा ln 3। और अगर आप ln 3 की वैल्यू लो, ln 3 की वैल्यू मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन शायद 1.1 के आसपास ये वैल्यू आती है, चलो वो भी हम चेक कर लेंगे। ये भी आपके पास क्या आ गया, डेल्टा सिस्टम, जो डेल्टा सिस्टम है वही एग्जैक्टली डेल्टा सराउंडिंग भी होगा, ठीक। तो मैं आपको एक बार ln 3 की वैल्यू दे देता हूँ फिर हम बात करते हैं आगे, ठीक है। तो जो मैंने कहा था मतलब ln 3 बेसिकली एग्जैक्ट वैल्यू देखो तो 1.09 होता है, बट आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.1 ही लेकर चलें। तो जैसे आप ln 3 की जगह यहाँ पर 1.1 यूज़ करोगे, ये बन जाएगा 8.3 इंटू 1.1, तो 11 3 33, और 88 प्लस 3 91, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 9.13 जूल्स, ठीक है, पर केल्विन पर मोल। ये तो आ गया डेल्टा एस सिस्टम, यही डेल्टा एस सराउंडिंग होगा। चलिए अब चलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब आप देखें इसमें आपको हीट कैलकुलेट नहीं करनी है, इसमें कहा है उसने, क्या कहा है कि जितनी हीट रिवर्सिबल प्रोसेस में रिलीज हुई उससे, मतलब एब्जॉर्ब हुई सॉरी, उससे 836.8 जूल कम हीट एब्जॉर्ब हुई है, कौन से प्रोसेस में, इरिवर्सिबल में। तो आप ध्यान दें, मैं सिंपल सी बात बोल सकता हूँ कि क्यू इरिवर्सिबल की जो वैल्यू है वो क्यू रिवर्सिबल माइनस 836.8 जूल है, इसका मतलब मुझे इसको भी जूल में ही निकालना पड़ेगा, सही है। आप ध्यान दें इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। पहला तरीका भी जो नॉर्मल है, आप पहले इस प्रोसेस का हीट निकालो क्यू रिवर्सिबल, आओ अभी निकाल लेते हैं।
बताओ रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू किसके इक्वल होगा, जीरो। तो क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू बेसिकली माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल की इक्वल होगी। और ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, जानते हो। जैसे इस वैल्यू को आप उठा के यहां रखोगे तो देखो क्यू रिवर्सिबल किसके इक्वल हो जाएगा, एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। तो ध्यान दें, मोल्स वन, आर की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर है 298, थोड़ा कैलकुलेटिव आ गया है, इनटू ये बन जाएगा एलएन थ्री। एलएन थ्री तो आप जानते हो 1.1, तो 8.3 इनटू 298 इनटू 1.1। ये वैल्यू हमको सॉल्व करके देखनी होगी, तो ये वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। देखो सॉल्व करके, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इनको कैलकुलेट करने बैठें। एग्जाम में आप चिंता ना करें, कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ईजी आती है। तो 8.3 इंटू 298 इंटू 1.1, ये वाली आपको मिलेगी 2720 जूल। 0.24 भी आएगा बट मैं इंटीजर वैल्यू लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये आ गया क्यू रिवर्सिबल। अब देखो आप यहाँ से क्यू इरिवर्सिबल निकाल सकते हो, तो जो क्यू इरिवर्सिबल की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2720 माइनस 836.8। तो देखो 2720 और 836.8, 10 में से 8 गया 2, 963, ठीक। बस 12 3 9 और ये बचेगा कितना, 7 8 6 8 1, तो बस बन जाएगा 1893.2। ये आ गई क्यू इरिवर्सिबल की वैल्यू, विच इज 1893.2 जूल्स आ गया। एक बार आपने क्यू रिवर्सिबल निकाल लिया, अब आप यहां से क्या निकाल सकते हो, डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू। कैसे निकालोगे, माइनस 1893.2 अपॉन टी सराउंडिंग इज 298। तो एक बार फिर से हमें अपने गणना यंत्र का सहारा लेना पड़ेगा और हम 298, ये वाली आपको मिलेगी माइनस 6.35 जूल पर केल्विन पर। तो देखें, ये रहा डेल्टा एस सराउंडिंग। भाई रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस किसका है, सिर्फ डेल्टा सराउंडिंग का। डेल्टा एस सिस्टम तो क्या आने वाला है, दोनों में सेम। तो बताओ यहां पर अगर आप डेल्टा एस टोटल निकालोगे तो किसकी इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम विच इज 9.13 माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग, सॉरी प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग विच इज माइनस 6.35। ऐड करें तो 8 7 6 सॉरी 2, तो ये आपके पास बन जाएगा 2.78 जूल पर केल्विन पर। सही है, आसान है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और लॉजिकली चलो, इसका एक और मेथड है। तो ये तो था मेथड नंबर वन, चलो अब मैं आपको दिखाता हूं इसका मेथड नंबर टू। तो ध्यान से देखें मेथड नंबर टू को। देखो मेथड नंबर टू में क्या है, आप मुझे डेल्टा एस टोटल का फॉर्मूला बताओ। ऐसा करो, ये भी छोड़ो, आपको क्वेश्चन में कह दिया गया है कि क्यू इरिवर्सिबल की जो वैल्यू है वो क्यू रिवर्सिबल माइनस 836.8 जूल है। बहुत ध्यान से देखना क्या करने वाला हूं मैं, बेसिक डेफिनेशंस को यूज करूंगा। बताओ डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो आप इस वैल्यू को उठा के यहां रख दो, देखो क्या बन जाएगा, माइनस क्यू रिवर्सिबल माइनस 836.8 अपॉन टी बनेगा। ब्रैकेट ओपन करो तो देखो डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, माइनस माइनस हो गया, प्लस 836.8 अपॉन टी, जो कि टी की वैल्यू कितनी है, 298 होगा। इस चीज को देखकर कुछ याद आता है, नहीं आता है, आना चाहिए। ये चीज किसको डिनोट करती है, डेल्टा एस सिस्टम को। किसको डिनोट करती है, डेल्टा एस सिस्टम। तो देखो माइनस नहीं, सिर्फ क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम। तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं कि डेल्टा एस सराउंडिंग एंड माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम प्लस वैल्यू कितनी बन जाएगी, 836.8 अपॉन 298। जैसे आप इस वैल्यू को यहां उठा के ले आओगे तो बताओ डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग किसके इक्वल होगा,
836.8/298 के होगा। बताओ ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, हो गया ना डेल्टा एस टोटल। आप देखो अगर मुझे, क्योंकि क्वेश्चन में डेल्टा सराउंडिंग निकालना ही नहीं है, अगर मुझे सिर्फ डेल्टा एस टोटल निकालना है तो वो वैल्यू इसको डिवाइड करने से आपको मिल जाएगी और ये वैल्यू आपको 2.78 जूल पर केल्विन पर मोल ही मिलेगी। वो आप कैलकुलेट करके देख लेना, आराम से वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों तरीके हैं वहाँ पे। पहले तरीके में हमको क्या निकालना पड़ा, डेल्टा सराउंडिंग निकाला हमने, ठीक है। उसके लिए पहले मुझे क्यू रिवर्सिबल निकालना पड़ा, थोड़ा सा बढ़ गया प्रोसेस। अगर हम वो सब नहीं करना चाहें तो हम डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि वैसे अब क्यू इरिवर्सिबल की वैल्यू ये होगी, इसको यहाँ रखो, ये डेल्टा सिस्टम बनेगा, इधर भेज दो तो ये बन गया डेल्टा एस टोटल। और डेल्टा एस टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 836.8/298। समझ रहे हो। तो ये था आपका आइसोथर्मल प्रोसेस और उसके अंदर एंट्रॉपी कैलकुलेशन की, कैसे हम एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में एक गैस की एंट्रॉपी कैलकुलेट करते हैं। मूव करते हैं अगले पार्ट पर, अगले प्रोसेस पर, दैट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो लोगों को लगता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होता है, क्यू जीरो है तो एंट्रोपी चेंज भी जीरो होना चाहिए, लेकिन ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है। आओ इसी मिसकंसेप्शन को दूर करते हैं विद आर नेक्स्ट प्रोसेस। चलो तो देखो फोर्थ अपना एडियाबैटिक प्रोसेस। अब यहां आपको थोड़ा सा ध्यान से देखकर चीजों को समझ के चलना होगा, यहां लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती ही आती है। तो देखें अगर हमारे पास एक एडियाबैटिक प्रोसेस है तो आप जानते हो कि एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है। अब आप देखो अगर सिस्टम सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं है तो जो Q होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, सही है। चलिए Q जीरो है तो डेल्टा U की वैल्यू W के इक्वल आ जाएगी, हम लोग फर्स्ट लॉ के अंदर सीख चुके हैं। अब हम इस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने चलते हैं, एक बार रिवर्सिबल में और एक बार इरिवर्सिबल में। बहुत ध्यान से देखना, पहले मैं आपसे बात करता हूँ रिवर्सिबल एडियाबैटिक की। कौन से प्रोसेस की, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए पहली चीज, प्रोसेस रिवर्सिबल है तो बताओ डेल्टा एस टोटल कितना होगा, हाँ जीरो, सही है। अच्छा तो डेल्टा एस सिस्टम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है, ठीक। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक है बताओ इसके लिए डी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू भी कितनी होगी, होगा नहीं होगा भाई, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो रिवर्सिबली सिस्टम जो भी हीट देगा या लेगा वो कितना होगा, जीरो, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक में सिस्टम सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज कितना है, जीरो। अब आप देखो जैसे ही क्यू रिवर्सिबल टी जीरो हुआ बताओ डेल्टा सिस्टम की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो। क्या आप ये चीज समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्यू जीरो होता है तो जब हम रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं तो क्यू रिवर्सिबल जीरो होगा, जब हम इरिवर्सिबल की बात करेंगे तो वहां पर क्यू इरिवर्सिबल जीरो होगा। यही चीज इन दोनों प्रोसेसेस को डिफरेंशिएट करती है और यही आपको सीखना है। खैर डेल्टा एस टोटल जीरो, डेल्टा एस सिस्टम जीरो, बताओ डेल्टा एस टोटल एक्चुअली होता किसके इक्वल है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, और दोनों ही वैल्यूज कितनी है, जीरो। क्या डेल्टा एस टोटल जीरो, डेल्टा एस सिस्टम जीरो, इसका मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग भी क्या होगा, जीरो। एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जैसा आप सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही होता है, यहां पर कोई एंट्रोपी चेंज नहीं होता है, ना डेल्टा एस सिस्टम, मतलब ना सिस्टम की एंट्रोपी चेंज होती है, ना सराउंडिंग की होती है, और ना ही टोटल एंट्रोपी चेंज होती है। सिंस यहां पर कोई एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही है इसलिए हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को एक और नाम देते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस
इज ऑल्सो नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस फॉर एन आइडल गैस। तो एक आइडल गैस के लिए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ध्यान रखना सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबेटिक में कोई एंट्रोपी चेंज नहीं होता है। तो अगर एंट्रोपी चेंज नहीं है तो एंट्रोपी सेम रहेगी, इसलिए हम इसे कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। समझ में आया क्या डिफरेंस है? चलिए अब मूव करते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस में और वहां देखते हैं कि वहां क्या बदलने वाला है। क्या वहां पर भी सारी चीजें जीरो आएगी? इसका जवाब तो वैसे ही दे सकते हो, मैंने क्या बोला इररिवर्सिबल। अगर प्रोसेस इररिवर्सिबल है उसकी कंडीशन होती है डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो। यानी यहां से ही तो दिख रहा है कि इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में सब कुछ तो जीरो आने वाला नहीं है। आओ देखते हैं क्या जीरो आएगा। तो देखें प्रोसेस है मेरा इररिवर्सिबल एडियाबेटिक, ठीक। पहले कैलकुलेट करते हैं डेल्टा सिस्टम, बहुत ध्यान से देखना। यहां पे आपको एक छोटा सा डाउट आ सकता है, मैं उसको भी यहीं पे क्लैरिफाई करूंगा। देखें ए से बी एक इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है ठीक। तो अगर ये इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है और मुझे इसके लिए डेल्टा सिस्टम निकालना है, तो पहले तो बात कर लें, बताओ इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हीट एक्सचेंज होगा वो क्यों इररिवर्सिबल होगा ना। और क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक है तो क्यू इररिवर्सिबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो होगा। अब अगर आपका क्यू इररिवर्सिबल जीरो है, क्यू इररिवर्सिबल जीरो है, तो आप देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था डेल्टा सराउंडिंग कैलकुलेट करने का। बताओ डेल्टा सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस क्यू इररिवर्सिबल अपॉन टी। इस क्यू इररिवर्सिबल की वैल्यू आप यहां जीरो रख दो, बताओ डेल्टा सराउंडिंग भी कितना हो जाएगा, जीरो। जो पहली काम की चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा सराउंडिंग तो कितना आएगा, जीरो। समझ रहा है? अभी डेल्टा सिस्टम को बाद में देख लेते हैं, पहले आप देखो इररिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो यहां जो हीट होगी उसको क्यों इररिवर्सिबल बोलेंगे, क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक है तो क्यों इररिवर्सिबल हो जाएगा, जीरो। और इसका मतलब डेल्टा सराउंडिंग भी कितना हो चुका होगा, जीरो। सही है? अब मूव करते हैं डेल्टा सिस्टम पर। देखो ए से बी एक इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक। एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों बदलते हैं, P2, V2 एंड T2 बदलते हैं। जब आप P1, V1, T1 से P2, V2, T2 पहुंचे होंगे तो उसके लिए आपने एक इमेजिनरी रिवर्सिबल पाथ बनाया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ध्यान दें, ये इमेजिनरी रिवर्सिबल पाथ एडियाबेटिक नहीं होगा। ये कुछ भी हो सकता है, ये आइसोथर्मल हो सकता है दो तीन स्टेप में हो रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक रिवर्सिबल पाथ से आना है और उसका एडियाबेटिक होना जरूरी नहीं है। अगर ये पाथ एडियाबेटिक हो गया यहां की स्टेट आई नहीं सकती। मैंने आपको सिखाया था रिवर्सिबल एडियाबेटिक और इररिवर्सिबल एडियाबेटिक में फाइनल टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जो आपने इमेजिनरी रिवर्सिबल पाथ लिया, अगर आपने उसको एडियाबेटिक ले लिया, तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल के लिए तो डेल्टा सिस्टम जीरो हो जाएगा, तो हम उसको वैसे भी नहीं ले सकते हैं। तो ध्यान रखना कभी भी जब हम पाथ चूज करते हैं तो जो रिवर्सिबल पाथ हम बना रहे हैं वो जरूरी नहीं है वो सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहा हो, नहीं, सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट आना चाहिए। तो मैं किसी भी एक रिवर्सिबल पाथ से आया ताकि मैं P1 V1 T1 से P2 V2 T2 पहुंच गया। बोलो आपको ये बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि यहां प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों बदल रहे हैं, तो यहां पर जो आप डेल्टा सिस्टम कैलकुलेट करोगे उसका फॉर्मूला बनेगा वो पूरा फॉर्मूला जो आपने सीखा है, NCVLN T2 upon T1 plus NRLN V2 upon V1, या फिर आप प्रेशर की फॉर्म में लिख सकते हो NCPLN T2 upon T1 plus NRLN P1 upon P2, लिख सकते हैं। चलिए ये रहा डेल्टा सिस्टम, ये रहा डेल्टा सराउंडिंग। क्योंकि डेल्टा सराउंडिंग जीरो है तो डेल्टा एस टोटल की वैल्यू डेल्टा सिस्टम की इक्वल ही आएगी,
सिंस डेल्टा सराउंडिंग इज जीरो, और ये वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल, एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन बी टू अपॉन टी। कर सकते हैं। तो ये था आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। हाँ, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में एंट्रोपी चेंज नहीं होता है, सारी एंट्रोपी में चेंज जीरो आता है, लेकिन इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं है। इरिवर्सिबल में डेल्टा सराउंडिंग क्या होता है, जीरो, तो आपका डेल्टा सिस्टम और डेल्टा टोटल सेम आते हैं। ठीक, तो इतना ध्यान रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा सराउंडिंग तो हमेशा जीरो आएगा, जो काउंट करना होगा वो डेल्टा सिस्टम। रिवर्सिबल है तो डेल्टा सिस्टम भी जीरो, और इरिवर्सिबल है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कॉपी करें, इस पर भी क्वेश्चन करके एक बार इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपने थ्योरेटिकली भी सीखा ही है तो अभी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब क्वेश्चन मिक्स होते हैं तब क्लिक नहीं करते हैं। तो आप चिंता ना करें, इस लेक्चर के साथ मैंने आपको एक डीपीपी दी है, उसको ज़रूर सॉल्व करें, एंट्रोपी में आप फिर कभी गलती नहीं करोगे। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस इज सब्जेक्टेड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली टू 10 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग एक्सपेंशन। देखो लिखा हुआ है रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली। अब क्या होता है, थोड़े दिनों में खिचड़ी बन जाती है, और फिर हम ये समझ लेते हैं कि डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला तो हमेशा एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन बी टू बाई बी वन होता है, लेकिन ध्यान दें यहाँ रिवर्सिबल लिखा हुआ है। मैंने आपको भी बताया रिवर्सिबल के लिए तो सब जीरो आएगा, डेल्टा सिस्टम भी, सराउंडिंग भी, टोटल भी। तो वर्बल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सही है, नहीं है, आसान है ना, बस रिवर्सिबल एडियाबैटिक पढ़ लिया तो कुछ सोचना ही नहीं है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, जीरो होगा। इसी बात पे अगला प्रश्न, यहाँ जीरो नहीं होगा। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट अभी आप छोड़ दें, फ्री एक्सपेंशन में आपको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज ही सब कुछ पढ़ा दूंगा तो बहुत सारा इकट्ठा हो गया पहले माल, उसको पचाएं, नेक्स्ट क्लास फिर हम फ्री एक्सपेंशन भी डिस्कस करेंगे। तो ये थर्ड पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे दोबारा से, अभी तो फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। पढ़ें क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ एन आइडल मोनोएटॉमिक गैस एट 5 ATM एंड 500 Kelvin इज एक्सपेंडेड एडियाबैटिकली, ठीक, टू अ प्रेशर ऑफ 2 ATM। तो आप देखें इनिशियल प्रेशर था 5 ATM P1, टेम्परेचर है 500 Kelvin, फाइनल प्रेशर है कितना, 2 ATM। फाइंड द वैल्यूज ऑफ डेल्टा गैस गैस एंड डेल्टा एस टोटल अंडर द फॉलोइंग conditions। चलिए जी, T2 की वैल्यू आपको नहीं पता है, अभी फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो एक टास्क और बढ़ गया है, मुझे फाइनल टेम्परेचर भी ढूंढना पड़ सकता है। अब जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी तो देखते हैं आगे। पहला केस, एक्सपेंशन इज कैरिड आउट रिवर्सिबली। चलिए, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक, आप ध्यान रखना क्वेश्चन में आपसे अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए एंट्रोपी चेंज पूछ लिया तो बल्ले बल्ले करो, आपकी लॉटरी लग चुकी है, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए तो सब कुछ जीरो होता है, सराउंडिंग डेल्टा एस टोटल सभी जीरो है, आपको कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है। सही है ना, सेकंड पार्ट करें, सेकंड पार्ट, जब आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। देखो वैसे लोग ना एडियाबैटिक में बहुत गलती करते हैं, जबकि यही सबसे आसान है, बाकी सब जगह तो आपको डेल्टा एस सिस्टम भी निकालना पड़ेगा, डेल्टा एस सराउंडिंग भी निकालना पड़ेगा, लेकिन यहां आपको डेल्टा एस सराउंडिंग तो निकालना ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा सराउंडिंग तो कितना आएगा, जीरो। अब बचा सिस्टम, और आपको सिस्टम निकालना है, जो सिस्टम की वैल्यू होगी वही डेल्टा एस टोटल की वैल्यू हो जाएगी, और बताएं एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा सिस्टम क्या बनेगा, एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन बी। सही है, अब बाकी बचता है फाइनल टेम्परेचर ढूंढना, कि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मैंने गलत लिख दिया, ये वी टू बाई वी वन नहीं आएगा, क्या आएगा, पी वन अपॉन पी टू आएगा ना, प्रेशर के टर्म्स में लिख रहा हूँ। चलिए
P1 पता है, P2 पता है, T1 पता है, T2 ढूंढे। तो याद करो वो दिन जब मैंने आपको फर्स्ट लॉ में इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए फाइनल टेम्परेचर निकालना सिखाया था। कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया था, मैंने आपको बोला था एडियाबैटिक है तो Q0 होगा और Q0 है तो डेल्टा यू W के इक्वल होगा। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, NCV इंटू T2 माइनस T1, और W का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 को मैं लिखूंगा NRT2 अपॉन P2 माइनस NRT1 अपॉन P1। जरा ध्यान दें, आइडल मोनाटॉमिक गैस के लिए CV को मैं 3R/2 लिख सकता हूं, तो मुझे NR कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। चलिए वैल्यूज रखें, 3/2 इंटू T2 निकालना है, T1 है 500 माइनस पी एक्सटर्नल, कुछ दिया है क्या पी एक्सटर्नल, हाँ दिया है, देखो सेकंड पार्ट में एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm है, तो माइनस 2 इंटू T2 निकालना है, P2 एक्सपेंड किया है 2 atm तक, T1 इज 500 और इनिशियल प्रेशर था 5 atm। ज़रा सॉल्व करें तो देखो 5 से 5 कैंसिल, ये 100 बनेगा, इधर इसको मल्टीप्लाई करो, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ 1.5 T2 लिख लेता हूँ, तो 1.5 T2 माइनस ये बनेगा 750 इज इक्वल्स टू माइनस T2 माइनस माइनस प्लस 200 होगा। इस T2 को इधर ले आओ तो 2.5 T2, यानी अब मैं इसको वापस 5/2 लिख लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए, इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 950। तो देखें 19 5 95 होता है, मल्टीप्लाई करो तो आपको T2 की वैल्यू मिल गई 380। कितना मिल गया, 380। अब अगर आपने यहाँ पर PV गामा लगा के सॉल्व कर दिया तो आपका गेम हो गया, क्यों, क्योंकि PV गामा तो रिवर्सिबल के लिए वैलिड होता है और हम किससे डील कर रहे हैं, इरिवर्सिबल से। आ गया T2, बस T2 आ गया तो आपका आंसर भी आ गया, N मोल्स है 1, मोनाटॉमिक गैस के लिए CP होता है 5R/2 ln T2 अपॉन T1 यानी 380 अपॉन 500। थोड़ा कैलकुलेटिव आ गई वैल्यूज, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में ध्यान से देखो सब कुछ दिया हुआ है, तो 1 इंटू आर इंटू एल एन P1 अपॉन P2, तो इनिशियल प्रेशर था 5 और फाइनल प्रेशर हो चुका है 2। सॉल्व कर लें वैल्यू को, ये बनेगा 5/2, मान लो आंसर कैलोरीज में निकालते हैं अपन, तो आर की वैल्यू 2, ये बनेगा एल एन 380 माइनस एल एन 500, तो एल एन 380 की वैल्यू आपको दी हुई है 3.64 माइनस 500 दिया हुआ है 3.91 प्लस, ये बनेगा आर एल एन 5 माइनस एल एन 2, एल एन 5 है 1.6 और एल एन 2 है 0.7। तो कर लो सॉल्व, देखो 2 से 2 कैंसिल, ये आर के लिए यहाँ पे भी 2 रख दो, तो 5 इंटू माइनस, अब 3.91 में से 3.64 उठा दो तो कितना 0.27 बन गया, ये हो गया माइनस 0.27 प्लस 2 इंटू ये कितना बचेगा 0.9, ये बना 1.35 माइनस साइन के साथ प्लस, ये कितना बन गया 1.8, तो ये तो लोचा हो गया, ये तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है जो कि आ ही नहीं सकती है, क्या हमने कोई गलत वैल्यू यूज की है, बिल्कुल भी गलत वैल्यू यूज नहीं की है हमने। मोनाटॉमिक गैस के लिए CP आ जाएगा 5R/2 नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती, देखो कहीं मिस्टेक की है क्या हमने, डेल्टा सिस्टम NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2 ही आएगा, P1 था 5, P2 था 2, 1.6 माइनस 0.7 0.9 ही बचेगा, ये बनेगा 1.8, 2 से 2 कैंसिल 5, ये भी 0.27 ही आएगा, और अगर मैं 0.27 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 एंड 3 13, अच्छा ठीक है ना, पॉजिटिव तो आ रही है, मेरी कैलकुलेशन गलत, 1.3, 1.8 में से 1.35 गया, तो देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 0.45 कैलोरी पर केल्विन पर। और इस तरह से आप डेल्टा एस सिस्टम और टोटल दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये था आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, थर्ड पार्ट अभी हम डील नहीं कर रहे हैं क्योंकि फ्री एक्सपेंशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो आप देखें आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पहले का लेक्चर था वो भी इंपॉर्टेंट था, और उससे पहले जब मैंने आपको कार्नोट साइकिल पढ़ाया था
वो मैंने आपसे बोला था कि वो मैंने बेस बनाने के लिए पढ़ा है, उस पर आप ज़्यादा फोकस ना करें। फोकस आपको करना है यहाँ पर, इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं में आप लोग गलतियाँ भी करके आते हो। तो आज मैंने आपको आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक चारों प्रोसेस के लिए डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट करना सिखाया। एक बार दोबारा से आप इन क्लास इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करें, उसके बाद जो आपको मैंने डीपीपी दी हुई है उस डीपीपी को ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि उसको सॉल्व करने के बाद ही आप अगले लेक्चर में आगे चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओगे और ये देख पाओगे कि कैसे हम सिस्टम और सराउंडिंग को बार बार रिलेट करते रहते हैं। तो हम अपने लेक्चर, आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।